देश में कोरोना महामारी के दौरान कुंभ स्नान काफी सुर्खियों में रहा था। ये कुंभ उस वक्त लगा था जब कोरोना अपने चरम पर था और रोजाना लाखों के सामने आ रहे थे, पर ये कुंभ मेले में काफी भीड़ जुटी थी। ना ही यहाँ पर लोगों ने मास्क लगाए हुए थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे दिखी। और अब हाल ही में कुंभ में प्राइवेट लैब के द्वारा 1,00,000 फर्जी कोरोना रिपोर्ट जारी करने का मामला सामने आया है। कुंभ के दौरान हुई टेस्टिंग की जब उत्तराखंड सरकार ने जांच शुरू की तो सामने आया कि टेस्टिंग एजेंसी ने 1,00,000 से ज्यादा फर्जी टेस्ट कर दिए थे, यानी कोरोना पॉजिटिव लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव दे दी गई होगी। पता चला है कि एक निजी लैब ने टेस्ट की संख्या ज्यादा दिखाने के लिए फर्जी आधार कार्ड, दूसरे लोगों के मोबाइल नंबरों का सहारा लिया। जब कुंभ मेला शुरू हुआ था तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि गंगा में स्नान से कोरोना नहीं होगा। और यहाँ तो फैला हुआ है, खुले में है, यहाँ ओपन है और गंगा के पास है। माँ गंगा का अविरल धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए, ये बल्कि होने नहीं चाहिए उससे तुलना, तो विषय होता है ना। इसके अलावा जब टाइम्स नाउ पर अमित शाह के साथ इंटरव्यू में एंकर ने कुंभ मेले को लेकर सवाल किए तो वे बात को गोलमोल करते नजर आए थे। और मैं थोड़े आंकड़े आपको बताना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में कितना इलेक्शन है या कुंभ है? हाँ, पर पंढरपुर में उन्होंने भी एक मिनट, कुंभ है 60,000 का रोज आंकड़ा आता है। दिल्ली में कुंभ है, इलेक्शन है, 18,000 आता है, 25,000 आज आया है, यहां 5,000 है। तमिलनाडु में इलेक्शन हो चुका, वहां पर भी 5,000 के नीचे है। पांडिचेरी में इलेक्शन हो चुका, 2,000 के नीचे है। यूपी में 10,000 पहुंच गया, गुजरात में 7,000 पहुंच गया। कोई कुंभ नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है, और वहां पर भी उत्तराखंड में आंकड़ा 2,000 के नीचे है। एक सिर्फ भेड़ चाल में चलकर चीजों को प्रचारित करना महामारी के वक्त ठीक नहीं। अब कुंभ में कोविड टेस्टिंग में हुए घोटाले पर बात करते हैं। कुंभ मेले के दौरान एक बड़े कोविड टेस्टिंग घोटाले का खुलासा हुआ है। इस खुलासे की शुरुआत पंजाब के फरीदकोट के रहने वाले एक LIC एजेंट विपिन मित्तल के जरिए हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मित्तल के पास 22 अप्रैल को एक मैसेज आया जिसमें कहा गया कि उनकी कोविड जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। खास बात यह है कि उन्होंने टेस्ट कराया ही नहीं था। अपने निजी डेटा को खतरे में होने की शंका के बीच उन्होंने पड़ताल शुरू की। जिला स्तर से शुरू होकर RTI तक पहुंची खोज के बाद एक बड़ा गोलमाल सामने आया जिसे देश का सबसे बड़ा फर्जी कोविड जांच घोटाला कहा जा रहा है। अखबार के मुताबिक मित्तल ने बताया, मेरी COVID-19 रिपोर्ट कह रही थी कि मैं नेगेटिव था, लेकिन मैंने जांच ही नहीं कराई थी। मैं जिला स्तर पर अधिकारियों से मिला लेकिन मुझे जाने के लिए कहा गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इस बात को जानने में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे कि क्या चल रहा है। आखिरी उपाय के तौर पर मैंने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को ईमेल के जरिए एक शिकायत भेजी। ICMR ने जांच की बात कही लेकिन हफ्ते भर बाद भी जवाब ना मिलने पर उन्होंने लैब की जानकारी हासिल करने के लिए RTI दायर की। ICMR ने मामले पर संज्ञान लिया और पाया कि मित्तल का सैंपल हरिद्वार में लिया जांचा गया है। वहां से मित्तल की शिकायत को उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के पास भेजा गया। एक बड़ी जांच के बाद सामने आया कि मित्तल उन 1,00,000 लोगों में शामिल हैं जिनकी जाली रिपोर्ट हरियाणा की एजेंसी ने तैयार की थी। जांच में पता चला है कि दिए गए नाम और पते फर्जी हैं। कई लोगों ने एक ही फोन नंबर पर एंटीजन टेस्ट किट की जानकारी दी जबकि किट का इस्तेमाल एक बार ही किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक निजी एजेंसी ने 1,00,000 जाली कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट जारी किए थे, मतलब जैसे एक फोन नंबर के जरिए 50 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जबकि एक एंटीजन टेस्ट किट में एक यूनिक नंबर होता है जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार के लिए किया जा सकता है। पर एक एंटीजन टेस्ट किट के जरिए 700 लोगों के सैंपल की जांच की गई। जांच कराने के लिए जो नाम और पता दिया गया वो भी काल्पनिक थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक हरिद्वार के हाउस नंबर 5 से करीब 500 सैंपल लिए गए। जानकारी के मुताबिक टेस्ट के दौरान जो फोन नंबर इस्तेमाल किए गए वो भी फर्जी थे। राजस्थान के ऐसे कई छात्रों का नाम सैंपल देने वालों में भी शामिल था जो कभी कुंभ में गए ही नहीं थे। रिपोर्ट के अनुसार राज्य ने मेला अवधि के दौरान सैंपल इकट्ठा करने वाले 8 एजेंसियों की मदद से कुल 4,00,000 जांचें की थी। फिलहाल अन्य एजेंसियां भी जांच के दायरे में हैं। अब यह घोटाला सामने आया है, क्या मीडिया इस मुद्दे पर कोई डिबेट करेगा? अगर 15 जून की ही डिबेट देखे तो मीडिया विपक्ष से ही सवाल करता दिख रहा है।
अयोध्या में राम मंदिर चंदे से खरीदी गई जमीन की कीमत को लेकर हो रहे हंगामे ने आज और ज्यादा तूल पकड़ लिया है। आज तक के साथ खास इंटरव्यू में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि पूरे मामले की जांच हो और जांच होने तक मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों को इस्तीफा दे देना चाहिए। कि क्यों आप जब चार साल साढ़े चार साल डेवलपमेंट की बात करते हैं और विपक्ष भी डेवलपमेंट पे घेरता है सरकार को, चाहे प्रदेश की हो या राष्ट्र की, तो क्यों इलेक्शन आने से पहले आपको ऐसे विषय चाहिए जो कि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेंसेशनल, जिससे भावनाओं से खेल हो सके लोगों कि जो कुछ राम जन्मभूमि में राम मंदिर निर्माण को लेकर हो रहा है वो कितना सही और कितना गलत है। मैं बिल्कुल सीधा सवाल लेकर आई, बिल्कुल सीधा, और सवाल ये है कि क्या अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ साजिश हो रही है? अगर आपने मेरा सवाल नहीं सुना है तो मैं रिपीट कर देती हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ साजिश हो रही है? मैं साजिश की बात कर रही हूं। अब ये मुद्दा भी आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा है, इस पर हम तो सरकार से सवाल कर रहे हैं कि सरकार इस मुद्दे पर पर्याप्त जवाब दे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी करे। इसके अलावा हम उम्मीद करेंगे कि मेनस्ट्रीम मीडिया इस मुद्दे पर डिबेट कर बीजेपी के नेताओं से सवाल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।